अर्पिता, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। अर्पिता हैज रिसेंटली क्वालिफाइड इन दिस OSSC XI सबमिशन एग्जामिनेशन। तुमरो एजुकेशनल बैकग्राउंड कौन थी? सर मोर प्लस टू साइंस थिला तापरे बीएससी थिला फिजिक्स ऑनर्स रे प्लस टू साइंस, देन बीएससी फिजिक्स बीएससी ऑनर्स। फिजिक्स ऑनर्स, थैंक यू। वेरी साइंस ग्रेजुएट। प्लस टू इज प्लस थ्री पर मैंने ये कंप्लीट प्रिपेरेशन स्टार्ट होगा। हायर स्टडी पे कहीं मन हालानी सर जॉब दरकार दरकार थी थिला। ओके तो केबे सरला ग्रेजुएशन? सर मोर 2017 रे 17 रे सरला। तो 17 टू 2021 थैंक यू। सो 4 वर्ष प्रिपेरेशन चार थिला। अने केबे स्टार्ट हेतला प्रिपेरेशन? सर 2017 रे स्टार्ट हेतला अगस्त रे। अगस्त टू यस तो सर। सेतल तुम बॉर्डिंग ज्वाइन करथिल तो को कोर्स रे ज्वाइन करथिल? सर मो एसएससी द बॉर्डिंग फंडामेंटल कोर्स रे ज्वाइन एसएससी करथिल। फंडामेंटल कोर्स रे ज्वाइन करथिल। ओके और को सेंटर रे ज्वाइन करथिल? सर साईनगर साईनगर सेंटर। सेंटर रे। ओके क्लास सब रेगुलर करथिल तो क्लास टेस्ट मटेरियल्स ओके तारो बेनिफिट तुम ऊपर केते पड़तिला? सर फास्ट तो मुझे किसी जानना थी साइंस बैकग्राउंड रो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब विषय किसी में बिकॉज़ यू जानना आर थी ला। प्योरली साइंस यस सर। ग्रेजुएट। से सब को भल से पूरा क्लास कर के जान ली तापरे मैथ रीजनिंग से सब भी इंग्लिश केमती थिला? हां सर कष्ट थिला ना सहज थिला? तो ठीक ठाक ठीक थिला। ठाक थिला। ओके ओके कष्ट किंतु ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हां एटा कष्ट से गुडा थिला मु टोटली के तबे पढ़ पढ़ी ना नथिला। थी तापरे। अच्छा स्कूलिंग कौन थिला? ओडिया मीडियम थैंक यू सर। सेति पई गुडा को जो थिला ई सब सेक्शन गुडा को ओडिया मीडियम ते भलर कवर ही नथिबो ते डिटेल नथिला सर टेंथ भूली सिलेबस रे जाइथली भूली सर जाइथ पांच सब। वर्ष में। ओके ओके ए क्लास जॉइन कला पर से फोन सब आ थिन बाकी हां पढ़ लियो केते वर्ष लागला एटा पर कमांड आनिया पई? सर 3 वर्ष लागी दु तीन वाला। वर्ष लागी गला। ओके ओके प ए जे जो पढ़ सला पर एग्जाम सब के बट देबा आरंभ कला सर मो कंप्लीट एग्जाम्स 2019 लो एग्जाम 17 सेंटर रे छे। प्रिपरेशन स्टार्ट करलो ओके आफ्टर 1.5 2 इयर्स 19 पाखु सब एग्जाम ओके देलो। ओके ए जो एक्सरसाइज सब सेक्टर परीक्षा एटा को ईयर रे हितला? सर 2021 ले। 21 नै हितला। ओके अच्छा ता पूर्व तुम परीक्षा सब दे चलथिला? ओके ओके तो खाली ए सब परीक्षा पे दोस्त ना अन्य किसी परीक्षा पे प्रिपेयर होछ? हां यस सर मो ओसीएस पे प्रिपेयर होछ। ओडिया स्पीकर। ओके ओके चित्र केमती कोन परफॉर्मेंस तुम्हारा सब अछि जो सर परीक्षा एक दिन मान करे? सर 2019 नो मो इंटरव्यू दे थी। अच्छा माने इंटरव्यू बंद जाई थी? यस सर। ओके गुड सर सेटा फर्स्ट चांस थिला। ओके सर सेकंड चांस रे 2020 रो मेन लिखी छी। ए भी मेन लिखी छी। यस सो सिविल सर्विस में भी तमे बनिक रे क्लास सर। करू छो तो सिविल सर्विस में के ज्वाइन करलो बनिक रे? सर 2019 मे रो ज्वाइन करलो। मैं मेन भी ज्वाइन करू छो तो टू सिविल सर्विस क्लासेस भी करू छो तो 17 टू 19 एसएससी प्रिपरेशन करलो देन तार अपग्रेड करैलो तो 19 ऑनवर्ड फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन तार ता भीतर इशू परीक्षा भी दीछो। अच्छा ये जो परीक्षा देलो तो या पई काई की मन हला जे नहीं मोटे एक्सरसाइज सब इंस्ट्रक्टर परीक्षा देबी मतलब मो सिविल सर्विस प्रिपेयर भी होची ता से एटा भी देबी एंती काई मोटे माइंड रे आसला? सर जो माने यूनिफॉर्म पिनहते देखले बहुत खुशी लागे। तो यूनिफॉर्म चाकरी भल लागे। अच्छा तो ओसीएस रे कोन प्रिफरेंस दे चंती पुलिस? सर मो फर्स्ट ओएस प्रिफरेंस दे छी देन ओएफएस तापर ओपीएस छिडिया गो ओपीएस दिलेनी ओपीएस दिलेनी कोन भाई यूनिफॉर्म भल लागे तो सिविल सर्विस रे ओपीएस दबा कथा सर ओएस रे मजिस्ट्रेट पार्टी मजिस्ट्रेट पार रहियो। ओके चलो ए जो परीक्षा पे प्रिपेयर होतिलो तो ए जो सिलेबस तुम कवर को बिकॉज़ तुम एसएससी पे भी सब सिलेबस कवर करिचो सिविल सर्विस में पढ़ा पढ़ भी करचो प्रीलिम पाइचो मेन लेखिचो भाईबा को भी जाइचो लास्ट ईयर एथर पर मेन लेखिचो ए सब परीक्षा प्रिपरेशन दे तो मन ना भरिस माने केते घंटा तुम या पे प्रिपरेशन पे दियो उठे तुम से पढ़ाई 3 वर्ष 4 वर्ष प्रिपरेशन हेलानी मन ना भरिस सर सब दिन तो एमती माने 10 घंटा 12 घंटा हुएनी 6 रु 7 एवरेज रेगुलर चले प्रतिदिन 6 रु 7 घंटा अपन दियो। हां प्लस केबे केबे परीक्षा पाख होले ठीक है अधिक हो जाए 10 11 घंटा ही। अच्छा बॉनिक रो मटेरियल द स्टैंडर्ड्स केमती? सर बहुत भलो तारे टेस्ट सीरीज सब टेस्ट भी सब दियो? यस सर। अच्छा तू टेस्ट दबा द्वारा किसी इम्प्रूवमेंट हे कि तोरा? हां सर बहुत माने जो सिलेबस टा मु छाड़ी दी थाए कोर्सटा टेस्ट देला पर क्वेश्चन टा जानला पर सही सिलेबस टा जाके देखे माने जोटा मोर भूल हेता हम जाके देखे सही पर्सन टा को मु पुनी सही टुका कर कर नया नया क्वेश्चन भी बहुत मु पाए। अच्छा अच्छा टेस्ट दवा द्वारा टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती हो? यस माने ये जो एसएससी टाइम भीतर थी एतिक एडजस्ट कर के कने एसएससी परीक्षा तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पैटर्न थीबो तो टाइम बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था ये जो प्रैक्टिस सेट रे दोथिल सब परीक्षा तो दोथिल जो परीक्षा होतिल बाणिक रे दो सब परीक्षा दोथिल। ओके तो ओवरऑल अच्छा ए बाणिक रे जॉइन करिया पूर्वरु मैं ग्रेजुएशन सारलो मॉर्निंग बोली गोटे इंस्टीट्यूट अछि केम जानलो ता विषय रे?
କୋଉଠି ଜାଣିଲ? ସାର୍ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ। ମୋ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ ମାନେ ଶୁଣିକି ଆସିଥିବ ଯେ ସେଠି ପଢା ହଉଛି, କ୍ଲାସ୍ ନେବି, ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ, ଏମିତି ପଢା ହଉଥିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପଢା ହଉଥିବ, ଏମିତି ମେଟେରିଆଲ ଦିଆହଉଥିବ, ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ତ ଏଠି ଜଏନ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ବିକ ତମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛ, SSCର କ୍ଲାସ୍ କରିଛ, CBSEର କ୍ଲାସ୍ କରିଛ, SSC ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଭାବିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣିକର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ମେଟେରିଆଲ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟା ଏସବୁ କଲା ପରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଲେ ମୋର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, ଭାବୁଛ କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି? ହଁ ସାର୍, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିଂର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛ? ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସ ମିଳିଛି, କ'ଣ କେମିତି ପଢିବି, କୋଉଠୁ କେମିତି ସିଲାବସ୍ କଭର କରିବି, ଆଉ ସିଏସ୍ ତ ଏତେ ସାରା ସିଲାବସ୍, ତାକୁ କେଉଁ ପର୍ସନ୍କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାର ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛ। ତ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନେଇ ତମେ ଆସିଥିଲ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଲେ ମତେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେଟା ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଲି? ଅନେଷ୍ଟଲି ସେଇ ସୋ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ବାଇ ବର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କ୍ୟାରିୟର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ? ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ଲାଇଟ୍ ନାଓ ଫର୍ ଦେମ୍, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଆଡଭାଇସ୍ କ'ଣ ଦବ? ନିଜେ ପଢିବା ସହିତ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ବି ନେବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେତିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସିଲାବସଟା ପଢୁଛନ୍ତି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଠୁ ଅଧିକା କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଉ ମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅ। ଦେଖ, 4 ବର୍ଷ ଜର୍ନି ତମର ଥିଲା, ତ ଡେଫିନେଟଲି 4 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପିରିୟଡ଼, ସୋ ହାଉ ୟୁ କିପ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟେଡ୍, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ରଖିବେ? ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତି କି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କାହିଁକି କରିଥିଲେ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବୁ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, କାହିଁକି ମୁଁ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଓକେ, ଯଦି ତାକୁ ଏଣ୍ଡ ନ କରେ ୟୁ ଅଗେନ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓରିଜିନ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।